हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। दोस्तों, आज हम लव नेक्स्ट डोर सीरीज का एपिसोड 14 देखने वाले हैं। ड्रामा के शुरुआत में हीरो कंस्ट्रक्शन वर्क में रहता है। वो अपने कॉन्ट्रैक्टर से पूछता है, आज का मटेरियल आ गया? कॉन्ट्रैक्टर कहता है, इंसुलेशन मटेरियल आ गया है, ऊपर काम चल रहा, मैं जाकर देखता हूँ। वो वहाँ से चला जाता है। हीरो को रियू के पास से फोन आता है, तभी ऊपर से कुछ लोगों के चिल्लाने की आवाज आती है। हीरो ऊपर देखता है, ऊपर से कुछ टाइल्स नीचे गिर रहे हैं। हीरो ऊपर देखते हुए कहता है, जो लोग डेथ को पास से देखकर वापस आ गए हैं, उनके लाइफ में अक्सर ऐसे एक्सपीरियंस होते हैं, उनका जीवन उनके आंखों के सामने आते हैं। मेरे साथ भी ऐसा हुआ। हीरो की आंखों के सामने उसकी पूरी लाइफ दिख जाती है। हर पल में रियो उसके साथ रहती है। हीरो के ऊपर वो टाइल्स गिरने वाले थे, वो थोड़ा पीछे हट जाता है। एक टाइल्स उसके हाथ में गिर जाता है। हीरो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर रियो के साथ आता है। हीरो ये सब उसे बता रहा था। ये सुनकर वो बहुत ही परेशान हो जाती है। वो कहती है कि अगर एक सेकंड देर हो जाता तो तुम्हें कितनी चोट लग जाती। तुम्हारा काम बहुत डेंजरस है, कभी भी तुम्हारे ऊपर कुछ भी गिर सकता है। तुम हमेशा केयरफुल रहना, अपने साथ हेलमेट और सेफ्टी पर्पस हमेशा रखे रहना। तभी हीरो के फोन में एक मैसेज आता है, वो वहीं रुक जाता है। रियो बातें करते हुए आगे चली जाती है। वो पीछे मुड़कर देखती है कि सेहुंग वहीं पर खड़ा है। वो उसे पूछती है कि तुम क्या कर रहे हो वहाँ पे खड़े होके। वो उसे कहता है कि तुम्हें थर्ड प्लेस मिला है। वो पूछती है कि तुम क्या बोल रहे हो, मेरे समझ नहीं आ रहा। हीरो कहता है कि तुम्हें थर्ड प्लेस का अवार्ड मिला है। वो पूछती है, मुझे किस चीज का अवार्ड मिला है। वो बताता है कि तुम्हें कुकिंग कॉम्पिटिशन का अवार्ड मिला है। वो कहती है कि मैं कुकिंग कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट नहीं किया। वो कहता है कि मैंने किया था। एक फ्लैशबैक दिखाते हैं। हीरो ने जिस रेस्टोरेंट को बनाया था, उस रेस्टोरेंट के लिए उसे बेस्ट आर्किटेक्चर का अवार्ड मिलने वाला था। जब वो अवार्ड लेने गया था, तब उसने वहाँ पर हेल्थी रेसिपी कॉन्टेस्ट के बारे में देखा था। उस कॉम्पिटिशन में हीरो ने रियो की तरफ से पार्टिसिपेट किया था। रियो का ब्रोकली एंड चिकन रिसोटो का रेसिपी हीरो ने सबमिट किया था। इस हेल्थी रेसिपी कॉन्टेस्ट में रियो थर्ड आई है। हीरो उसे सॉरी कहता है, उसे बिना बताए कॉन्टेस्ट में भाग लेने के लिए। रियो पूछती है, क्या मैंने सचमुच में अवार्ड जीता है। वो उसे रिजल्ट दिखाता है। वो कहती है कि मैं नाराज हूँ। हीरो उसे सॉरी कहता है ऐसे करने के लिए। वो कहती है कि मैं खुश हूँ अपनी नाराजगी की वजह से। इससे पहले मैं बहुत सारी जगह में फर्स्ट आई हूँ, लेकिन इस कॉन्टेस्ट में थर्ड आके मैं उससे ज्यादा खुश हूँ। वो कहती है कि मैं खाना बनाना चाहती हूँ, लेकिन मुझे कोई जॉब नहीं मिल रहा। मैं बहुत होपलेस फील कर रही थी। इसे देख के मुझे ऐसा लग रहा है कि गॉड ने मुझे परमिशन दी है आगे बढ़ने के लिए। हीरो कहता है कि कौन फर्स्ट आया और कौन सेकंड आया है, उन लोगों ने क्या बनाया है। मैंने सोचा तुम देखना चाहती हो। रियो उसे फोन छीन लेती है और देखने लगती है। मोहिम अपने रूम से बाहर आती है। बाहर उसकी मॉम खड़ी रहती है। वो कहती है कि मिस्टर डैनहो ने अपनी लिमिट क्रॉस कर ली है। मोहिम उनकी बात बिना सुने जाने लगती है। उसकी मॉम कहती है कि अगर तुम उसे डेट करना चाहती हो तो मेरे मरने के बाद करना। मैं तुम्हें बता देती हूँ कि मैं और 40 साल जीने वाली हूँ। मोहिम कहती है, तब तक तो हम 70 साल के हो जाएंगे। उसकी मॉम कहती है, अभी से हम बोलना शुरू कर दी। वो उनकी बातों को नहीं सुनती और अपने कान बंद करके बाहर आ जाती है। उसकी मॉम बाहर आके चिल्लाती है और कहती है, तुम उसे कभी डेट नहीं कर सकती। मोहिम जल्दी से वहाँ से भागने लगती है। तभी यंदो किंडरगार्टन जाने के लिए अपनी बेबी सिटर के साथ बाहर आती है। मोहिम की मॉम को देख के वो ग्रैंडमा बुलाते हुए आती है और उनको बताती है कि आपने जो मुझे कल स्नैक दिया था, मैंने उसे पूरा खत्म कर दिया। ये सुन के वो खुश होती है। फिर वो अपनी खुशी को कंट्रोल कर लेती है। यंदो कहती है, आपने कहा था, मैंने वैसे ही किया। मैंने अपने दोस्तों और टीचरों से मुस्कुराते हुए बातें की। डैड से भी मैंने हंसते हुए बातें की। ये सुनते ही मोहिम की मॉम का चेहरा उतर जाता है। वो यंदो से कहती है कि लेट हो जाएगा, तुम्हें स्कूल जाना चाहिए। फिर वो अंदर जाके दरवाजा बंद कर देती है। यंदो खड़ी उन्हें देखती रहती है। तभी बेबी सिटर उसे लेकर जाती है। डैनहो न्यूज़पेपर लोडिंग में हेल्प करता है। वो कल के बारे में सोच के बहुत परेशान होता है। उसे याद आता है कि उसने मोहिम की मॉम से क्या कहा था। जब मोहिम की मॉम उसे अंदर लेके जा रही थी, मोहिम बाहर आके कहती है कि तुमने खुद कहा है कि तुम मुझे अपनाना चाहते हो, इसलिए तुम कभी पीछे नहीं हटना। वो अपना सर हिलाता है। उसकी मॉम दरवाजा बंद कर देती है और बाहर आती है। डैनहो उनसे सॉरी कहते हैं अचानक से ये सब बोलने के लिए। ये सब कैसे शुरू हुआ ये सब बताने जाता है। वो उसे रोक देती है। वो कहती है कि मोहिम बचपन से ऐसे ही है, वो बहुत ज्यादा काइंड है। वो किसी को परेशानी या मुसीबत में देखती है तो तुरंत उनकी हेल्प करती है। एक दिन उसने एक ओल्ड लेडी को सब्जी बेचते हुए देखा, उन पर उसे बहुत दया आया। वो उनकी सारी वेजिटेबल्स खरीद कर लेकर आ गई। ऐसे ही वो दूसरों की हेल्प करती है। वो हमेशा दूसरों पर हेल्प करती है जिस पर उसे दया आता है। शायद इसलिए यंदो को वो पसंद करती है। यंदो की मॉम नहीं है इसलिए मोहिम को तुम पर दया आई, लेकिन तुम्हें तो समझना चाहिए, तुम्हारी एक बच्ची है। वो उनसे कुछ कहना चाहता है। वो चिल्लाकर उसे चुप करा देती है। वो कहती है कि तुमने कुछ नहीं कहा और मैंने कुछ नहीं सुना।
आगे से तुम हमें एम्बेरसिंग नहीं करोगे। ये बोल के वो अंदर चली जाती है। ये सब सोच के रहनो बहुत परेशान होता है। मोहित हीरो का करवाट देता है और उसे पूछता है, तुम्हारे हाथों में प्लास्टर कब तक रहेगा? वो कहता है कि ठीक हो गया, मैं निकाल देता हूँ। वो कहते ही तो बहुत अच्छी बात है, अवार्ड जीतने के बाद हमें बहुत सारे प्रोजेक्ट मिले हैं, इसलिए तुम्हें इन्हीं हाथों से बहुत सारे काम करने हैं। वो कहता है कि मैं तो अपना वर्कलोड कम करने के बारे में सोच रहा था। वो कहते तुम ऐसे कैसे बोल सकते हो, अभी तो मौका है हमारे पास। हीरो कहता है कि मैं शादी करने वाला हूँ। ये सुनकर तो मोहित शॉक हो जाता है। पूछता है किससे, कब और कैसे हुई ये सब? हीरो कहता है कि रियो से। ये सुनकर और शॉक हो जाता है। वो कहता है कि तुम लोग तो बचपन के दोस्त हो, एक फैमिली की तरह थे, फिर ये सब कैसे हुआ? वो कहता है कि शांत हो जाओ और चुपचाप मेरे पास आकर बैठो, मैं रियो को प्रपोज करना चाहता हूँ, तुम बताओ कि मैं कैसे करूँ, तुम्हें तो एक्सपीरियंस है। वो कहता है कि इस मामले में मैं प्रोफेशनल हूँ। वो कहता है उसे तो तू पहले एक बेसबॉल स्टेडियम में ले जा, वहाँ पर घुटनों में बैठ के तू उसे प्रपोज कर दे, तब तुम लोग ऑटोमेटिकली स्क्रीन पर आ जाओगे। हीरो कहता है कि उसे क्राउडेड जगह पसंद नहीं है। वो कहता है एक और आइडिया है, तू उसे एक प्ले में ले जा, जब स्क्रीन उठेगा, जब लाइट डिम होगा, तब तुम उसे प्रपोज कर देना, वो खुशी से रोने लग जाएगी। हीरो पूछता है कि ऐसे करने से लड़कियों को पसंद आएगा? तभी नायक वहाँ पे क्लैप करते हुए आती है। वो कहती है हाँ ऐसे ही करिए, उसी समय आप रिजेक्ट हो जाओगे। वो कहती है कि प्रपोज करना तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट है, तो दूसरे का शो क्यों खराब करोगे? इसलिए सिर्फ तीन चीजें याद रखना, नो ऑडियंस, एक अच्छा सेटिंग, एक प्यारा सा लेटर। वो कहते ही थोड़ा सिंपल नहीं है? वो कहती है सिर्फ प्रोपोजल डे को स्पेशल बनाने का क्या मतलब है, उसके साथ बिताई हर दिन को स्पेशल बना दो। ये आइडिया हीरो को बहुत अच्छा लगता है। वो उसे थैंक्स कहता है। वो उसे वापस थैंक्स कहती है। वो कहती है कि एक दिन मैं आपको घर बनाते हुए देखा, मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया, इसलिए मैंने यहाँ पर ज्वाइन किया। फिर मुझे पता नहीं कि मैं कब आपको पसंद करने लगी, सब कुछ ऐसे ही मिक्स हो गया, इसलिए मैं बहुत कंफ्यूज हो गई थी। अब एकदम क्लियर है, मैंने डिसाइड कर लिया है कि आप मेरे लिए सिर्फ बॉस है, आप हमेशा खुश रहना। ये सुनके वो खुश हो जाता है। रियो अभी भी विनर्स लिस्ट को देख के खुश हो रही थी, तभी मोहित उसके रूम में आती है और रियो को बताती है कि मैंने डानो से कहा कि मैं उसे प्यार करती हूँ, लेकिन उसने मुझे रिजेक्ट कर दिया, फिर भी मैंने हार नहीं मानी, आखिर में उसने मान ही लिया कि वो मुझसे प्यार करता है। रियो ये सब सुन के हैरान होती है, क्योंकि उसे इस बारे में कुछ भी नहीं पता था। मोहित कहती है कि उसने मेरी मॉम के सामने बताया कि वो मुझसे प्यार करता है। रियो घुटने पर बैठ के उसे सॉरी कहती है, क्योंकि वो अपने ही रिलेशनशिप में इतनी बिजी हो गई थी कि उसे मोहित का ख्याल ही नहीं आया, इतना सब हो गया उसे कुछ पता भी नहीं चला। वो उसे सॉरी कहती है। मोहित कहती कोई बात नहीं, वैसे मैंने तुम्हें नहीं बताया। रियो पूछती ये सब कैसे हुआ। मोहित अपनी लव स्टोरी बताती है। वो कहती कि जब सब ठीक चल रहा है तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम मेरी मॉम है, उन्हें डैनो के साथ डेट करना पसंद नहीं। मोहित कहती है कि उसकी मॉम ने कहा कि उसकी मौत के बाद ही मैं डैनो को डेट कर सकती हूँ। रियो कहती मेरी भी कुछ ऐसी हालत है, अगर मेरी मॉम को पता चला तो मुझे मार ही डालेगी। दोनों इस बारे में सोच के बहुत परेशान होते हैं। हीरो आते समय रास्ते में एक ओल्ड लेडी को देखता है, इसने और डैनो ने एक बार उनकी हेल्प की थी, तभी डैनो वहाँ आता है। वो ओल्ड लेडी उन दोनों को थैंक्स कहती हेल्प करने के लिए, फिर दोनों ड्रिंक्स करते हैं। हीरो बताता है कि वो कॉलेज टाइम से ही जरूरतमंद लोगों के लिए घर बनाने के लिए हेल्प करता था। डैनो बताता है कि उस ओल्ड लेडी के घर की हालत बहुत ही खराब है। हीरो अपना शेड्यूल चेक करता है। हीरो से पूछता है कि तुम अगले हफ्ते फ्री हो, अगर फ्री हो तो हम उस ओल्ड लेडी की हेल्प करेंगे। डैनो कहता है कि मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता, अगर हम एनजीओ में अप्लाई कर देंगे तो वो उनके घर बनाने में हेल्प करेंगे। हीरो कहता है कि कोई बात नहीं, मैं करूंगा तो जल्दी हो जाएगा, आखिर हम दोस्त हैं, तुमने जो मांगा उसे तो पूरा करना होगा। डैनो कहता है कि तुम मायूम के भी दोस्त हो, इसलिए मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ, मैं और मायूम एक दूसरे को पसंद करते हैं। ये सुनके हीरो शॉक हो जाता है। डैनो कहता है कि मायूम की मॉम हमारे रिलेशन को एक्सेप्ट नहीं कर रही है, इसलिए मुझे पता नहीं कि आगे क्या करना चाहिए। तभी हीरो को रियो का मैसेज आता है, वो बताती है कि मायूम के साथ है, जो बहुत ही ज्यादा सैड है। फिर दोनों मायूम और डैनो को मिलाने के लिए प्लान बनाते हैं। हीरो वर्क करने के बहाने डानो को अपने साथ लेकर आता है। रियो एक जगह में मोहिम को बैठाकर उनका वेट करती है। उन दोनों को आते हुए देख रियो कहती है कि क्या कोइंसिडेंस है। उसकी एक्टिंग देखकर मोहिम डानो समझ जाती है कि ये इन दोनों का ही प्लान है। मोहिम उनसे कहती है कि बहुत गंदा एक्टिंग किया तुम दोनों। रियो कहती है कि हम दोनों को जो करना है हम लोगों ने कर लिया, अब तुम दोनों को जो करना है करो, और वो दोनों वहां से जाने लगते हैं। मोहिम डानो को अपने पास बुलाती है। वो उसे कहती है कि कल मैं बहुत नशे में थी, लेकिन मुझे सब कुछ याद है, तुमने मुझे एक बार भी कॉल क्यों नहीं किया, क्या मेरी मॉम की वजह से? डैनो कहता है कि मैं समझ सकता हूँ कि उन्हें कैसा लग रहा होगा, अगर मैं उनकी जगह होता तो मैं भी मना कर देता। मोहिम कहती है तुम मेरी मॉम के सामने कैसे अपनी फीलिंग्स बता सकते हो। वो उसे माफी मांगता है और कहता है कि मुझे लगा कि डायरेक्टली बात करना अच्छा होगा। वो कहती है कि तुमने मुझे डायरेक्टली कभी नहीं बताया कि तुम मुझे पसंद करते हो, मैंने जब तुम्हें कहा था तुम मुझे रिजेक्ट कर दिए, इतनी इम्पोर्टेंट बात तुम मेरी मॉम के सामने क्यों बताए। वो कहती है कि मैंने तुम्हें पहले किस किया था। ये सुनकर डैनो उसे किस कर देता है, फिर वो अचानक से उठ जाता है। मोहिम उसके पास जाकर कहती है कि तुमने अभी क्या किया, अचानक ऐसे किस करके कौन रुकता है। वो उसे सॉरी कहता है और बताता है कि आज उसने बहुत काम किया है, जिस वजह से मुझे बहुत पसीना आया है। वो कहती है कि वो सब ठीक है, लेकिन इसका और किस से क्या मतलब है।
वो कहते हैं कि मुझे लगा कि ये सही नहीं है। मोहिम कहती है कि जो तुम अब कर रहे हो वो सही नहीं है। फिर वो अपने फीलिंग्स के बारे में बताता है। मोहिम उसे हक करती है। डैनू कहता है कि मैं तुम्हारे लिए बहुत सारे खाना लेकर आऊंगा। वो कहती है कि सोच लो मैं बहुत बड़ी फूडी हूँ तो मुझे संभाल पाओगे ना। वो उसे फिर हक करता है और कहता है कि तो फिर मुझे ज्यादा आर्टिकल लिखना होगा। इन दोनों की लव स्टोरी अब यहाँ से चालू होने वाली है। रियो के डैड नए रेस्टोरेंट में नजर रखने के लिए जाते हैं। वहाँ पर मिसो खाना लेने की लाइन में खड़ी रहती है। घर आते समय रियो के डैड उसे देख लेते हैं। फिर वो दोनों शॉप में आते हैं, उस रेस्टोरेंट के खाने को टेस्ट करते हैं जो बहुत ही टेस्टी थी। इनका बिजनेस बिल्कुल भी नहीं चल रहा था। रियो के डैड कहते हैं कि हमें रेस्टोरेंट को बंद कर देनी चाहिए। फिर वो कहते हैं कि मैं मजाक कर रहा हूँ। मिसु किस बारे में सोचने लगती है। हीरो किसी से बात करके फ्राइडे के दिन कुछ अरेंज करने को कहता है। रियो को आता देख वो कॉल को काट देता है। खाना खाते हुए रियो अपने कुकिंग के बारे में बात करती है। ये सुन के हीरो को एक आइडिया आता है। वो उसे कहता है कि तुम यूट्यूब पे फिर से वीडियो बनाना चालू कर दो जैसे तुम यूएस में कुकिंग का वीडियो बनाती थी। वो इसके लिए मना करती है। वो कहता है कि तुम सिर्फ खाना बनाने में ध्यान देना, वीडियो और एडिटिंग का काम मैं देख लूंगा। फिर ये दोनों वीडियो रिकॉर्डिंग का काम चालू करते हैं। बहुत टाइम बाद रियो कैमरे के सामने नर्वस हो रही थी। उसे डर लग रहा था कि उसका बनाया खाना ठीक से बनेगा या नहीं। हीरो उसे चेयरअप करता और कहता है कि मुझे मालूम है कि तुम्हारा खाना कितना टेस्टी बनता है, इसलिए तुम भरोसा रखो कि सब कुछ ठीक होगा। फिर वो खाना बनाना शुरू करती है। जिम में नायक को अपसेट देख डैनसो उसे पूछने के लिए आता है। वो कहती है कि सेयुंग ने मुझे रिजेक्ट कर दिया। वो कहता है कि तुम मुझे ये सब कैसे बता सकती हो, सब लोग ऐसी बातें को छुपाते हैं। वो कहती है कि मैं क्यों छुपाऊं, मैं प्राउडली कह सकती हूँ कि मुझे उस पर क्रश था, इसलिए मैं बहुत सैड हूँ। वो उसे वाटर बॉटल देख कर कहता है कि ठीक से तुम पानी पीना नहीं तो प्रॉब्लम हो सकती है। वो कहती है मुझे अभी जरूरत नहीं है। वो कहता है तुम्हें देख के लगता है कि इसकी जरूरत है, वैसे तुम्हारा चेहरा देख के लगता है कि तुम अभी रोने वाली हो, लेकिन तुम मेरे प्यार में मत पड़ जाना क्योंकि जिम मेंबर और ट्रेनर डेट नहीं कर सकते, वैसे भी मुझे काम पे ध्यान देना है। वो उसकी बातों को सुन के हंसती है। रात को मोयम अपनी मॉम की पसंद की चीजों को लेकर घर आती है। उसकी मॉम कहती है कि मुझे मालूम है तुम मुझे सॉरी कहना चाहती हो। वो कहती है हाँ मुझे आपसे सॉरी तो कहना है क्योंकि मैं डैनू को डेट करने वाली हूँ। ये सुनकर वो बहुत गुस्सा करती है। वो कहती तुम उसे डेट नहीं कर सकती। मोहिम कहती मैं जानती हूँ आप क्यों मना कर रही हैं। वो बताती है कि गेंदो डैनू के बड़े भाई की बेटी है। 2 साल पहले एक एक्सीडेंट में डैनू की पूरी फैमिली मर गई। उसके मॉम डैड भाई भाभी सिर्फ यांदो ही बची। उसकी मॉम कहती है तुम्हें लगा कि जाने के बाद मैं मान जाऊंगी। मोहिम कहती मैं आपकी परमिशन लेने के लिए नहीं कह रही हूँ। डैनू के साथ इतना सब कुछ हो गया, वो दोनों बहुत अकेले हैं, दोनों एक दूसरे की फैमिली हैं। मैं इसलिए आपके इसे बता रही हूँ कि मैं उनको प्रोटेक्ट करना चाहती हूँ। उसकी मॉम कहती है तुम्हें इसका मतलब पता है, तुम्हें यांदो की मॉम बनना पड़ेगा। कई मॉम तो अपने बच्चों से ही परेशान हो जाती है, तुम कैसे दूसरे के बच्चे को देख पाओगी। मोहिम कहती है कि मुझे अभी भी याद है जब डैड गुजरे, हमें ग्रैंड मॉम के घर से निकाल दिया गया था। आपने हम दोनों बहनों का कितना ख्याल रखा, पूरा दिन आप काम करती थी, रात को पढ़ती थी रियल एस्टेट एग्जाम को पास करने के लिए, आप पढ़ते हुए काम करती थी, साथ में हम दोनों बहनों को भी पाल पोस के बड़ा किया। आपने कभी भी हमें पढ़ने के लिए फोर्स नहीं किया, आपने कभी भी मुझसे कोई सवाल नहीं किया। जब मैंने अपना करियर चूज किया तब भी आपने कुछ नहीं कहा, आपने मेरी चॉइस को रेस्पेक्ट किया, इसलिए प्लीज इस बार भी आप मेरी चॉइस को रेस्पेक्ट करोगी। उसकी मॉम कहती है कि नहीं ये मैं नहीं कर सकती, मैं सच में तुम्हें खुश देखना चाहती हूँ। वो कहती है कि मैं खुश हूँ आपकी बेटी होने में, खुश हूँ एक पैरामेडिक होने में, खुश हूँ मैं डैनू को पसंद करती हूँ, यांदो के साथ रहना चाहती हूँ, इससे मैं और ज्यादा खुश रहूंगी। रियो कैडेट अपने घर के बेसमेंट में आते हैं जहाँ उन्हें अपने पुराने दुनिया की बहुत सारी चीजें मिलती हैं। वहाँ पर उन्हें एक डायरी मिलती है, वो डायरी वो अपने वाइफ के लिए लिखे थे। तभी वह मिसो आ जाती है। दोनों अपने पुराने दिनों को याद करते हैं, फिर डिसाइड करते हैं कि रेस्टोरेंट को बंद कर देंगे, उसके बदले वो कुछ नया शुरू करना चाहते हैं। उससे पहले वो बहुत सारी जगह घूमेंगे। फिर वे लोग प्लान करते हैं कि उनके दोस्तों के साथ कहाँ कहाँ घूमने जाएंगे। मिसो कहते हैं कि पहले आप अच्छे से फोटो खींचना सीख लो। हीरो अपने फोन के अलार्म को सुन के उठता है। आज के दिन उसके लिए कुछ स्पेशल डे है, जल्दी से नहाने के लिए जाता है क्योंकि आज वो रियो को प्रपोज करने वाला है। वो जल्दी जल्दी नहाने लगता है, अचानक से पानी खत्म हो जाता है। वो नीचे आके अपने डैड से पूछता है कि पानी कैसे खत्म हो गया। वो बताते हैं कि आज वाटर टैंक की सफाई हो रही है इसलिए दोपहर तक पानी नहीं आएगा। वो पीने के पानी से अपने बाल को वॉश करता है, फिर वो शर्ट ऑन करने लगता है। तभी से कॉल आती है, वो फोन उठाने के लिए जाता है। आयरन के वायर से उसका पैर लग जाता है जिससे आयरन उसके शर्ट पर गिर जाता है और उसका शर्ट जलने लगता है। मिसुक की सारी फ्रेंड अफराउ जाने के लिए डिसाइड करती है जिसके लिए बहुत ज्यादा खर्चा होने वाला है। ये सुनकर मिसुक को ज्यादा चिंता होने लगती है। उनकी तीनों फ्रेंड अच्छे खासे सेटल थे, उन्हें ऐसा परेशान होता हुआ देख हाइसुक उसे देख लेती है। वो समझ जाती है कि मिसुक को पैसे का प्रॉब्लम है। रियो के डैड सियोंग के डैड को ट्रीट देते हैं, रेस्टोरेंट को बंद करने के बारे में बताते हैं और कहते हैं कि इस पार्टी के बदले मुझे अच्छे से फोटो खींचना सिखा दो। किंडरगार्टन से सीधा यांदो मोहिम की मॉम की शॉप में आती है। वो बताती है कि मैं आपको कुछ देना चाहती हूँ। यांदो अपने हाथों से बनाए हुए एक फ्लावर देती है। वो पूछती है कि क्या है। यांदो कहती है कि मैं जिन्हें पसंद करती हूँ उन्हें ये देती हूँ, मेरी पसंद के कलर से मैंने इसे बनाया है क्योंकि मुझे ये आपको देना था। मैंने बहुत दिनों से आपको स्माइल करते हुए नहीं देखा इसलिए मैंने ये आपके लिए बनाया है। फ्लावर को देख के यांदो वहाँ से चली जाती है। मोहिम की मॉम को सुबह यांदो से थोड़ा रूडली बिहेव करने के लिए उसे अपने पर बहुत गुस्सा आता है।
हीरो अपनी कार में विल यू मैरी मी का डेकोरेशन करवाता है। उसे देख के वो खुद ही खुश हो जाता है। रियो की वीडियो पर ज्यादा व्यूज नहीं आते हैं, इसलिए वो अपसेट रहती है। तभी उसे याद आता है कि सियोंग ने उसे मिलने के लिए बुलाया है। वो तैयार होकर हीरो के पास आती है। रियो पूछती है कि हम कहाँ जाने वाले हैं। हीरो कहता है कि वहाँ जाने से पहले हम पहले खाना खा लेते हैं। मैंने एक टेबल रिजर्वेशन करके रखा है। वो दोनों ट्रैफिक में रुके रहते हैं। तभी पीछे वाली कार सियोंग की कार पर टक्कर मारती है, जिससे कार का पीछे का हिस्सा टूट जाता है। इस वजह से हीरो के कार को गैरेज भेजना पड़ता है। उसका प्रपोजल का पहला प्लान फ्लॉप हो जाता है। रियो कहती कि कोई बात नहीं, हम कैब से रेस्टोरेंट चले जाएंगे। दोनों रेस्टोरेंट पहुंचते हैं। ये वही रेस्टोरेंट था जिसके लिए हीरो को अवार्ड मिला था, लेकिन वहाँ पर कोई भी नहीं था। रियो से पूछती है कि क्या ये जगह सचमुच में फेमस है, यहाँ तो कोई कस्टमर भी नहीं है। तभी शिप उनके लिए खाना लेकर आते हैं। उन्होंने रियो की बात सुन ली थी। वो बताने जा रहे थे कि इस जगह को आज के लिए सियोंग ने बुक किया है। सियोंग उन्हें बीच में रोक देता है। वो कहता है कि ये रेस्टोरेंट और शेफ दोनों बहुत ही फेमस है। शेफ उनको अपने खास डिश के बारे में बताते हैं। तभी उन्हें हॉस्पिटल से कॉल आता है कि उन्हें बेबी हुआ है। ये सुनकर वो बहुत ही खुश हो जाता है। वो सियोंग को इस बारे में बताता है। सियोंग कहता है कि तुम्हें इस बारे में मुझे पहले से बताना था, मैं आज के लिए आपको परेशान नहीं करता। रियो कहती है तो आपको अभी जाना चाहिए। सियोंग कहता है कि आप जाइए, मैं यहाँ संभाल लूंगा। शेफ हीरो के कान में आके गुड लक कहते हैं और बताते हैं कि फ्रिज में केक रखा हुआ है। रियो कहती है कि हमें जल्दी से खाना खा के चले जाना चाहिए। हीरो कहता है कि शेफ ने हमारे लिए केक बनाया है, इसलिए उसे बिना खाए जाना ठीक नहीं होगा। खाना खाने के बाद हीरो केक लाने के लिए किचन जाता है। केक में भी लिखा था कि विल यू मैरी मी। वो केक को बहुत ही संभाल कर लेकर आता है, लेकिन रियो के पास पहुंचने से पहले ही उसका पैर फिसल जाता है और नीचे गिर जाता है। उसका ये प्रपोजल प्लान भी फ्लॉप हो जाता है। शाम को हाइसुक मिसुक को देखने के लिए आती है। मिसुक जेली बना रही थी, वो उनको भी देती है। हाइसुक कहती है कि हमारे हस्बैंड भी अच्छे दोस्त बन चुके हैं। मिसुक कहती है कि वो दोनों हमारी शॉप में खाना खा रहे हैं। हाइसुक कहती है कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, हम सभी ने ट्रिप के बारे में डिसाइड किया था, हम सब साथ में चलेंगे। मिसुक कहती है कि मुझे ठीक से पता नहीं, इस बारे में मैं सोचूंगी। हाइसुक कहती है कि पैसे की बात है तो मैं दे दूंगी। ये सुनकर मिसुक को बुरा लगता है। वो कहती है तुम मेरे लिए पैसे क्यों दोगी। हाइसुक कहती है कि मैं तुम्हारे साथ जाना चाहती हूँ, उतना भी ज्यादा पैसा नहीं है, एक फ्रेंड दूसरे फ्रेंड के लिए कर सकती है। मिसुक कहती है कि कोई फ्रेंड ऐसा नहीं करते, इतना पैसा कोई उधार में भी नहीं देता। हाइसुक कहती है कि हम कोई नई दोस्त थोड़ी हैं, 30 साल से हम दोनों बेस्ट फ्रेंड हैं। बचपन से सियोंग का ध्यान रखने के लिए मैं तो तुम्हारे शुक्रगुजार हूँ। मिसुक कहती है कि इसके लिए तुमने मुझे पहले से ही पैसे दे दिए हैं। हाइसुक कहती है कि तुमने क्या कहा। वो कहती है कि तुमने मुझे सैलरी दी है ना, इसके लिए तुमने मुझे पहले ही पैसे दे दिए हैं, फिर तुम क्यों मुझ पर शुक्रगुजार हो। हाइसुक कहती है तुम जानती हो सियोंग तुम्हें कितना पसंद करता है, तुमने बचपन से उसका बहुत ख्याल रखा। मिसुक कहती है तुमने ठीक कहा, मैंने अपने बच्चों से भी ज्यादा ख्याल सियोंग का रखा। जब दोनों बीमार होते थे तो पहले मैं सियोंग को लेकर हॉस्पिटल जाती थी, क्योंकि तुम मुझे इसके लिए पैसे देती थी, क्योंकि मुझे लगा कि कहीं कोई ये ना कह दे कि अपनी फ्रेंड के बेटे का ध्यान नहीं रख रही है। हाइसुक कहती कैसी बात कर रही हो, मैंने कभी तुमसे ऐसा कहा। वो कहती कि तुमने नहीं कहा था, लेकिन मैं समझती थी जब तुम मुझे एक्स्ट्रा पैसे देके जाती थी, गिफ्ट कार्ड देती थी हॉलीडे के लिए, तुम्हें पता है तब मुझे कितना बुरा लगता था। ये सुनकर हाइसुक को गुस्सा आता है। वो कहती कि तुम मुझे ऐसे समझ रही थी, क्या तुमने मुझे अपना दोस्त नहीं समझा। मिसुक कहती तुमने तो मुझे मीठ समझा था। हाइसुक कहती मैं क्यों तुम्हारे बारे में ऐसे सोचूंगी। मिसुक कहती अगर ऐसी बात नहीं है तो तुम क्यों मेरे लिए ट्रिप के लिए पैसा देना चाहती हो, तुम मुझ पर तरस खाने वाली होती कौन हो। हाइसुक कहती है कि इसे तरस खाना नहीं, दोस्ती कहते हैं। अगर तुम ऐसा सोच रही हो तो ये तुम्हारी इन्फेरियोरिटी कॉम्प्लेक्स के कारण है। ये सुनकर मिसुक को गुस्सा आता है। हाइसुक कहती है कि तुम्हारे बारे में कोई ऐसे नहीं सोचता, तुम खुद इन्फेरियोरिटी कॉम्प्लेक्स की वजह से ऐसे सोचती हो। ये सुनकर मिसुक उसे मारना ही चालू कर देती है। दोनों एक दूसरे का बाल पकड़ के झगड़ा करने लगते हैं। तभी वहाँ दोनों के हस्बैंड आ जाते हैं, वो दोनों को अलग करते हैं। हाइसुक कहती है कि आज से हमारी दोस्ती खत्म हो गई है। मिसुक कहती है मुझे भी तुमसे दोस्ती नहीं रखना। फिर दोनों झगड़ने लगते हैं। सियोंग के डैड अपनी वाइफ को वहाँ से लेकर जाते हैं। रियो हीरो के ऑफिस में रहती है, जहाँ वो वीडियो के लिए नए डिश बनाने की तैयारी करती है। तभी उसे कमेंट आता है। कमेंट को पढ़ के बहुत ज्यादा इमोशनल होती है। हीरो पूछता है कि क्या हुआ। वो कमेंट दिखाती है, उसमें लिखा था कि मेरी मम को कैंसर है, उनकी कीमोथेरेपी चल रही है, उनसे कुछ भी खाया नहीं जा रहा था। हेल्थी खाने की रेसिपी ढूंढते हुए मुझे आपकी वीडियो मिली, मैंने आपकी रेसिपी को देख के बनाया। बहुत दिनों बाद मेरी मॉम ने कुछ खाया और उन्हें बहुत ही पसंद आया, थैंक यू सो मच इस रेसिपी के लिए। हीरो कहता है कि देखा ना कितना पसंद आया लोगों को, तुम क्यों रो रही हो। रियो कहती है कि मैं इनका दर्द फील कर सकती हूँ, मेरी भी कीमोथेरेपी के दौरान ऐसी हालत थी, मुझसे कुछ भी खाया नहीं जा रहा था, पानी भी मेरे गले से नहीं उतरता था। जब मुझे पता चला कि मेरा बनाया खाना किसी को पसंद आ रहा है, मुझे बहुत अच्छा लगा। ये देख के मैं बहुत ही मोटिवेट फील कर रही हूँ, ये देख के मुझे उनके लिए और खाना बनाने को मन कर रहा है। मैंने भी उनके दर्द से गुजरा है, मैं उनको बताना चाहती हूँ कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, आपको हेल्थी खाना खाते रहना है। हीरो कहता है कि एक काम तुमसे बेहतर कोई नहीं कर सकता। रियो कहती है कि अब से मैं और मेहनत से वीडियो बनाऊंगी। ये सुनकर सियोंग को रोना आता है। रियो पूछती है कि क्या हुआ। वो कहते हैं कि जब तुम बीमार थी कुछ भी नहीं खा पा रही थी, मैं तो सोच भी नहीं सकता कि तुमने क्या क्या सहा होगा, तब मैं तुम्हारे साथ नहीं रह पाया, मुझे इस बात का जिंदगी भर पछतावा रहेगा। रियो कहते ऐसा मत कहो, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। हीरो कहता है
इसलिए तुम मेरी बाकी की जिंदगी अपने साथ बिताने का मौका दोगी। ये सुनकर रियो हैरान होती है। वो कहते कि मैं तुम्हें सुबह ही बताने वाला था, पहले कार में प्रॉब्लम हो गया, फिर मैं केक देके बताना चाहता था लेकिन केक भी मुझसे नीचे गिर गया, लेकिन अभी मेरे पास कुछ चीज है। वो एक ब्रेसलेट देकर उसे शादी के लिए प्रपोज करता है। ये सुनकर रियो कहती है कि मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। सुनकर बहुत ही शौक हो जाता है। ऑफिस में सियोंग का बिल्कुल ध्यान नहीं रहता, वो रियो के बारे में सोच रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि रियो ने उसका प्रपोजल क्यों रिजेक्ट कर दिया। तभी डैन उसे मिलने के लिए आता है। वो अपनी पूरी कहानी उसे सुनाता है। वो उसे पूछता है कि रियो ने मेरे प्रपोजल क्यों रिजेक्ट किया। मुझे लग रहा था कि कल जरूर कुछ गड़बड़ होने वाली है, क्योंकि सुबह से मेरे साथ बहुत सारे प्रॉब्लम हो रहे थे। तानो कहता है कि फिर तुम्हें अपना प्रपोजल को कैंसिल कर देना था। लास्ट में मैंने ब्रेसलेट को देकर प्रपोज किया, लेकिन उसने मुझे तुरंत ही मना कर दिया। टैनो कहता है कि ब्रेसलेट से कौन प्रपोज करता है। हीरो कहते हैं कि ब्रेसलेट ही प्रॉब्लम है ना, मुझे भी ऐसे ही लगा। नायक ने मुझसे कहा था रिंग लेने के लिए, पता नहीं मुझे ब्रेसलेट लेने का क्यों सोचा, इसलिए रियो ने मुझे ठुकराया होगा। टैनो कहते मुझे ऐसा नहीं लगा, शायद उस समय भूखी रही होगी, क्योंकि मैंने सुना है कि जब लड़कियां भूखी रहती है तो कुछ भी कह देती है। हीरो कहता है कि तुमने ठीक कहा, रियो बचपन से ही भूख नहीं सह पाती थी। कल दोपहर को हमने थोड़े से ही खाना खाया था, इसलिए वो भूखी रही होगी। पहले मुझे उसे कुछ खाना खिला देना था, फिर प्रपोज करना था। उसे थैंक्स करके कहता है कि तुमने मेरा बहुत बड़ा प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया। रियो हीरो के प्रपोजल के बारे में सोच के सैड होती है। मिसुक अपने हस्बैंड से कहती है कि मैं बेवकूफ थी जो हाइसुक के लिए खाना बना के देती थी। वो कहती है कि उसने तुम्हें कभी बनाने के लिए तो नहीं कहा ना, तुम अपनी मर्जी से बनाती थी। मिसुक कहती है कि वो मेरे लिए पैसे क्यों देगी, वो अमीर है तो क्या हुआ, मुझ पे क्यों तरस खा रही है, अपने दोस्त को पैसे का रूप कौन दिखाता है। वो कहते कि मुझे नहीं लगता कि हाइसुक के कहने का मतलब ये होगा, वो तुम्हारी बहुत पुरानी दोस्त है, शायद दोस्ती की वजह से कहा होगा। दूसरी तरफ हाइसुक अपने हस्बैंड से कहती है कि मिसुक मुझसे बहुत जलस है, क्योंकि वो बहुत टाइम से मेरे बारे में क्या क्या सोचती है। सियोंग के डैड भी उसे समझाने की कोशिश करते हैं कि उनके कहने का मतलब ये नहीं होगा, हाइसुक तो उन्हें कुछ कहने का मौका ही नहीं दे रही थी। दोनों के हस्बैंड एक दूसरे के घर के हालचाल मैसेज में पूछते हैं, लेकिन दोनों के घर में सेम सिचुएशन रहता है, इसलिए रात को दोनों रियो के डैड के शॉप में मिलने का डिसाइड करते हैं। हाइसुक कहती है कि मुझे बुरा लग रहा था कि मिसुक मेरे साथ नहीं आ रही है, इसलिए मैंने अच्छे इरादे से उससे कहा था कि मैं उसके लिए पैसे देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन उसने तो कुछ और ही समझ लिया। मोहिम की मॉम अपने ग्रुप में मैसेज चेक करती है, क्योंकि सुबह से किसी का मैसेज नहीं आया था। तभी वो अपने सामने मोहिम, दानो और यंदो को साथ में जाते हुए देखती है। तीनों बहुत ही खुश दिख रहे थे। यंदो की शूलेस खुल जाती है। मोहिम यंदो को शूलेस बांधने का नया तरीका सिखाती है। ये देख के मोहिम की मॉम को मोहिम का बचपन याद आता है, उसे भी शूलेस बांधना नहीं आता था, इसलिए मोहिम की मॉम ने उसे एक नया तरीका बताया था शूलेस बांधने का, जो आसानी से नहीं खुलता। मोहिम खुशी से उछलने लगती है। ऐसे मोहिम को यंदो के साथ देख वो भी अपनी नाराजगी खत्म कर देती है। शाम को वो तीनों उसके घर के पास से गुजरते हैं। बाहर मोहिम की मॉम खड़ी रहती है। वो मोहिम को सबके लिए खाना ऑर्डर करने के लिए कहती है। दानो को पूछती कि तुम्हें क्या खाना पसंद है, और यंदो का स्पेशल खाना ऑर्डर करने को कहती है। यंदो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। वो यंदो को उठाकर घर के अंदर जाने लगती है। वो दोनों को घर के अंदर आने को कहती है। मोहिम खुश होकर अपनी मॉम को हग करती है। हीरो के डैड रियो के डैड के शॉप में आते हैं अपनी वाइफ के बारे में डिस्कस करने के लिए। दोनों बहुत ज्यादा ड्रिंक्स कर लेते हैं। रात को बहुत लेट हो जाता है। मिसुक के हस्बैंड घर नहीं आए रहते हैं। वो उनके पास वाली दुकान में फोन करके उनके बारे में पूछती है। वो बताते हैं कि वो सियोंग के डैड के साथ में हैं और दोनों बहुत ही नशे में हैं। हाइसुक को भी इस बारे में पता चलता है। वो भी अपने हस्बैंड को लेने के लिए आती है। शॉप के अंदर कौन पहले जाएगा, दोनों की लड़ाई होती है। दोनों को नशे में देख मिसुक चिल्लाती है। रियो को सियोंग के फोन से कॉल आता है। उसे बताते कि सियोंग बहुत नशे में है। रियो उसे लेने के लिए जाती है। वो देखती है कि बहुत नशे में है। उसे एक जगह में बैठाती है। वो बहुत ज्यादा नशे में रहता है। उसे बेंच में बैठाकर होश में लाने की कोशिश करती है। वो उसे देख के कहता है कि क्या तुम सच में मेरे पास हो, तुमने मेरे प्रोफेसर को रिजेक्ट किया, तुम मुझसे शादी करने से कैसे मना कर सकती हो। वो कहती कि इस बारे में बाद में बात करेंगे। वो कहता तुम्हें पता है ना, तुम्हारे बिना मेरी लाइफ का कोई मतलब नहीं है, तुम मेरे लिए सब कुछ हो। ये बोलते हुए फिर से बेहोश होने लगता है। वो उसे फिर से होश में लाने की कोशिश करती है। वो उसे कहती है कि मेरे साथ चलो, नहीं तो मैं तुम्हें छोड़ के जा रही हूँ। जब वो चुपचाप रहता है तो वहाँ से जाने लगती है। थोड़ी देर बाद हीरो को होश आती है। वो देखता है कि रियो उसके पास बैठी है। वो रियो को देख के कहते हैं कि मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ। वो कहती होश में आ गए ना, तो घर चलो। वो उसे रोक के कहता है कि तुमने मेरा प्रोफेसर क्यों ठुकराया, तुमने कहा था ना इस बारे में बात करेंगे, मैं पूरी तरह से होश में आ चुका हूँ, अब बताओ। वो उसके पास आकर बैठ जाती है। वो पूछता है कि तुम मुझसे प्यार करती हो, फिर शादी क्यों नहीं करना चाहती। वो कहती हम जैसे वैसे ठीक है। वो कहता है कि शादी के बाद इससे भी और अच्छा हो सकता है, हम दोनों पूरी जिंदगी साथ रह सकते हैं, साथ ग्रो करेंगे और ज्यादा स्ट्रांग बनेंगे। रियो कहती है तुम कैसे कह सकते हो कि हम बहुत समय तक साथ रह सकते हैं, आज मैं ठीक हो सकती हूँ, एक दिन आएगा जब मैं ठीक नहीं रहूंगी, तुम मेरी कंडीशन जानते हो, मुझे कभी भी कुछ हो सकता है। वो कहता है तुम ऐसे क्यों सोचती हो। वो कहती है मैं ऐसे नहीं सोचना चाहती, अगर मुझे कुछ हो गया तो। वो कहता है कि मेरे साथ भी तो कुछ भी हो सकता है, तुमने देखा ना कुछ दिन पहले मेरे साथ क्या हुआ था, ये सिर्फ हम दोनों के साथ नहीं, दुनिया में हर किसी के साथ कभी भी कुछ भी हो सकता है। मौत सबको आती है, उसे कोई नहीं बच सकता। मुझे मालूम है तुम किस बारे में सोच रही हो, मैं गॉड नहीं हूँ, लेकिन गारंटी तो नहीं दे सकता कि ऐसा नहीं होगा, लेकिन मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि मेरी बाकी की जिंदगी मैं तुम्हारे साथ बिताना चाहता हूँ।
हूँ। ये बोल के उसे गले लगा लेता है। चाहे 10 साल हो या 1 दिन, जितना भी टाइम मेरे पास हो वो मैं तुम्हारे साथ बिताना चाहता हूँ। रियो भी इमोशनल होकर कहती है कि मैं भी यही चाहती हूँ। वो हंसते हुए कहता है कि फिर तुम मेरे प्रपोजल को एक्सेप्ट करोगी? वो हंसते हुए कहती है कि हाँ जरूर। तुमने उस ब्रेसलेट को लौटा तो नहीं दिया? वो कहता है कि ब्रेसलेट तो मेरे हाथ से घूम गया। वो उसे देखती है। वो कहता है मैं मजाक कर रहा हूँ, ब्रेसलेट घर में है, मैं जाके लेके आता हूँ। तभी रियो अपने सामने अपने मॉम डैड और सियोंग के मॉम डैड को देखती है। वे तो बहुत ही शौक होकर इन्हें देखते हैं। अगले एपिसोड में रियो अपने मॉम डैड से कहती है कि मैं सियोंग के साथ डेट कर रही हूँ। सियोंग भी अपने मॉम डैड को कहता है कि मैं रियो से प्यार करता हूँ। ये सुनकर उनकी फैमिली का रिएक्शन क्या होगा ये हम आगे देखेंगे। ड्रामा पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक करना ना भूलिए। अपना ध्यान रखिए और अपने को खुशी दीजिए। फिर मिलेंगे अगले एपिसोड के साथ। तब तक के लिए हमारे सब्सक्राइबर और व्यूअर्स के लिए बहुत सारा प्यार।